अब ये वाली गेम प्ले में क्या होता है, मैं बहुत ही ज्यादा लेट उतर जाता हूँ, मुझे जाना था पावर प्लांट, और देख सकते हो आप जिस आप यहाँ पे इतनी लेट लैंडिंग होने के बावजूद ऊपर से भाई मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ भी उतर जाता हूँ। अब यहाँ पे इतने सारे बंदे आ रखे थे फिर भी मैं बच जाता हूँ, जस्ट आप देखना कैसे बचूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ जाता हूँ गन ढूंढने के लिए, तो भाई बचा कैसे रहता हूँ इस हिसाब से बचता हूँ कि भाई यहाँ पर ये वाले जो अपार्टमेंट है इस साइड पर कोई बंदा आया नहीं होता, इसी वजह से ताकि मैं बचा रहता हूँ। अब जस्ट आप देखना यहाँ पे सामने की तरफ पूरा का पूरा स्क्वाड होता है, देखना उस स्क्वाड को कैसे मारेंगे। सबसे पहले तो सामने की तरफ एक बंदा लड़ रहा होता है, उसको तो फटाफट से नॉक किया, अब देखना नॉक के साथ सीधा सीधा फिनिश भी कर दूंगा। अब ये एक स्क्वाड था पूरा, उसका एक बंदा मैंने मार दिया था, अब दूसरा बंदा रश कर देता है और ये पूरा का पूरा डुओ था, मतलब ये इसी स्क्वाड के टीममेट्स थे। तो तीन यहाँ पे नॉक हो चुके थे और एक जो है वो फिनिश हो चुका था। अब ये जो इसका जो चौथा टीममेट है ना वो पीछे की तरफ से आ रहा होता है, तो देखो उसको कैसे मारेंगे। और इसी के साथ ये वाला जो होता है वो क्लच लग जाता है और ये 1v4 हो जाता है फटाफट से। तो अब यहाँ पे टीममेट को रिवाइव देना, तो फटाफट से लूट करनी थी क्योंकि यार अभी भाई उतरे ही थे कि भाई स्क्वाड के ऊपर पुश कर दिया और मार भी दिया, अब बारी तो लूट करने की, तो फटाफट से भाई हम लोग लूट करते हैं। और इतनी देर में भाई पीछे की तरफ से एक गाड़ी आ जाती है जिसके अंदर पूरा का पूरा स्क्वाड होता है, मतलब कि दो बंदे भाई मिराडो लेकर आते हैं और दो बंदे ऐसे पैदल चल के आ जाते हैं पीछे की साइड से। तो अब यहाँ उनको मारना था, तो खैर आप जस्ट आप देखना किल फीड में भी उनका नाम आएगा, तो देखना इस टाइप वो कौन से बंदे होते हैं और उनका नाम भी जरा आप दिमाग के अंदर फीड करके रखना, उनको कैसे मारेंगे जस्ट आप देखना। यहाँ पे सामने की तरफ पूरा का पूरा स्क्वाड होता है। अब एक बंदे को तो भाई मैं सोचता हूँ कि नेट से उड़ा दूंगा, लेकिन भाई वो वाला बंदा जो है वो पोजीशन चेंज करके लेफ्ट साइड बिल्कुल खिड़की के बाद आ जाता है और भाई नेट ज़ाया हो जाता है। अब बारी थी भाई रश करके मारने के लिए, लेकिन पीछे की साइड से भी एक और बंदा आ जाता है। अब यही वाला जो बंदा है, ये वाला जो बंदा है बैरल वाला, यही होता है इस साइड की तरफ, तो इसको देखना कैसे मारेंगे। सबसे पहले तो एक बंदा सामने की तरफ से आ जाता है जिसको मैं डैमेज देता हूँ और ज्यादा से ज्यादा नॉक कर देता हूँ। अब इसको इतना डैमेज दे दिया कि खुद ब खुद फिनिश हो जाता, लेकिन भाई एक और बंदा पीछे की तरफ से आ जाता है जिसको फटाफट से नॉक कर दिया और नॉक के साथ से सीधा सीधा फिनिश भी कर दिया। अब ये दो बंदे मार चुका था मैं इनके, अब आई थी भाई तीसरे बंदे की और चौथे बंदे की, जो कि सामने की तरफ जो है अपार्टमेंट जो है उस तरफ होते हैं। तो दो बंदे मार चुका था मैं, अब पीछे की तरफ से एक और बंदा होता है जो कि बिल्कुल अपार्टमेंट की तरफ चले जाता है। अब एक ऊपर की तरफ भी बंदा होता है जो कि बिल्कुल पता नहीं क्या कर रहा होता है, वो छत के ऊपर घूम रहा होता है। खैर ये नेट से डैमेज हुआ था, अब देखो उसके ऊपर रश कर देते हैं, तो देखो उसको कैसे मारेंगे। अब ये यही वाला बंदा था जो कि बैरल वाला बंदा था। अब मैं भाई रुकता हूँ थोड़ी देर, इसको मैं फिनिश नहीं करता क्योंकि यार इसका टीममेट जो है भागा भागा आएगा, क्योंकि इसके पास अच्छी अच्छी गन्स की स्किन थी, तो इसको बचाना तो भाई लास्ट नहीं होगा। और भाई यही होता है कि इसका जो टीममेट होता है वो कि भाग भाग के आता है बिल्कुल इसको बचाने के लिए, जस्ट देखो उसको कैसे मारेंगे। अब ये वाला जो बंदा होता है मेरे टीममेट को सिर्फ देखता है, मुझे तो देखता नहीं है, और इसी का फायदा उठा के मैं इसको मार देता हूँ। और यहाँ पे एक और भाई 1v4 क्लच लग जाता है। अगर ये आपको पसंद आया हो ना तो फटाफट से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। अब भाई अपने टीममेट को फटाफट से रिवाइव दिया और भाई लूट की थोड़ी सी, जितनी पॉसिबल लूट हो सकती थी फटाफट से हमने लूट की और यहाँ से निकल गए, क्योंकि यार यहाँ पे रुकने का कोई फायदा भी नहीं था और यहाँ से मतलब कि निकलना ही था। तो हम लोगों ने भाई इन्हीं की गाड़ी उठा ली फटाफट से और यहाँ से निकल गए। तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ फटाफट से बाहर आ जाओ भाई, यहाँ से रश करते हैं। लेकिन भाई जैसे आप देखना यहाँ पे जैसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं हम लोग, तो सामने की तरफ जो है वो साउंड आ जाते हैं, हमें देख सकते हो इस मैप के अंदर। और अगर साउंड आते हैं तो ले लो साउंड, मतलब साउंड हेयर कर लो, वरना अगर मैप में देख लोगे तो साउंड के जो ऑप्शन है वो आ रहा है। तो ये कंफर्म हो चुका था कि आगे बंदे हैं, तो जस्ट आप देखना अभी इसको कैसे मारेंगे। सबसे पहले तो भाई यहाँ से सामने की तरफ बंदा स्पॉट होता है जिसको मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई कुछ फायदा नहीं होता। अब भाई बारी रश करके ही मारने की, तो हम लोग फटाफट से यहाँ से जाते हैं, पैदल ही चले जाते हैं गाड़ी, और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ गाड़ी ले आओ, तो यहाँ से हम लोग रश कर देते हैं। अब हमारे बंदे ने अपनी पोजीशन जो है वो रिवील कर दी थी, तो अब बारी रश करके मारने की, तो देखो और भाई इसी को इजीली मार दिया। अब यहाँ पे मेरी का जो गन है उसके अंदर सिर्फ एक बुलेट बची थी और उसको एक बुलेट टच हो गई, इसी वजह से वो मर गया, वरना मैं यहाँ पे नॉक हो जाता, फिर मेरे टीममेट की जरूरत पड़ती भाई, लेकिन यहाँ पे मार दिया। अब इस बंदे के बाद भाई एक और पता नहीं कौन आ जाता है, उसको भी मार देते हैं
अब भाई वहाँ से गाड़ी उठा के निकलते हैं, तो जैसे ही यहाँ की तरफ भाई दो बंदे होते हैं जो कि यहाँ पे भाई नज़र रख के बैठे हुए होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे यहाँ पे, खैर छोड़ो उनको तो मारना ही था। तो देख सकते हो आप सामने मिराड़ों लगी हुई थी। अब यहाँ पे बंदे जो होते हैं वो सामने की तरफ से हमारे ऊपर पुश कर रहे होते हैं, लेकिन भाई जोन भी आ रहा था, तो जोन के साथ साथ भाई हम लोग पैनिक भी हो जाते हैं, क्योंकि यार जोन के अंदर फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक तो ऊपर से हेल जा रही होती है, ऊपर से अगर बंदे रश कर रहे हो तो मसला हो जाता है, लेकिन भाई इसमें भी हम लोग फाइट जो है वो जीत जाते हैं। तो देखना जैसे आप कैसे फाइट जीतेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे भाई अपने बूस्टर वगैरह लगाना था, क्योंकि अगर हीलिंग मतलब कि हेल जाती है हमारी फटाफट से रिकवर हो जाए। लेकिन भाई दोनों के दोनों बंदे जो होते हैं वो सामने की तरफ से रश करते थे, लेकिन यहाँ पे जो है ना आप जस्ट आप देखना मेरा टीममेट जो है वो मेरा जो है वो मुझे बचा लेगा। कैसे बचाएगा जस्ट आप देखना आगे की तरफ जो उसको देखना तो बनता है भाई। खैर छोड़ो उसको तो फटाफट से अभी यहाँ पे उनको मारना था। अब वो लोग होते हैं नीचे की साइड, तो मैं जाता हूँ यहाँ से कूद मारने के लिए, लेकिन भाई ये वाला बंदा जो है वो मौली करा हुआ होता है, मतलब मौली खींचा हुआ होता है और ये मारने वाला होता है। खैर मैं बच गया इसको देख लिया मैंने, मैं वहाँ से भाग के निकल के आ गया फटाफट से यहाँ की तरफ। और अब देखो जस्ट आप इनको कैसे मारेंगे, मैं यहाँ से नीचे की तरफ कूद जाता हूँ। अब पहले वाले बंदे ने तो देख लिया था, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं सका। मैं इनको नॉक के साथ साथ भाई सीधा सीधा फिनिश भी किया, क्योंकि यार जोन आ रहा था, अब इनको जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं था और हमें भी यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। अब लूट भी नहीं चाहिए थी हमें, तो हम लोग फटाफट से क्या करते हैं गाड़ी उठाते हैं और निकल जाते हैं। खैर आप गाड़ी की हालत देख सकते हो, तो इस हालत में गाड़ी को लेकर जाना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग क्या करते हैं सामने की तरफ से जाते हैं और गाड़ी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नया नया मॉन्स्टर ट्रक बिल्कुल खड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से गाड़ी चेंज करके और यहाँ से निकल जाते हैं। तो अब जस्ट अब देखना है यहाँ पे आगे की तरफ सीन क्या होता है। अब हम लोग सामने की तरफ जा रहे होते हैं, टोटल एक ही बंदा बच रहा था। अब एक बंदा जो है वो लेटा हुआ मिल जाता है, उसकी तरफ मैं नेट फेंकता हूँ, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता उसको, खैर डैमेज तो हुआ होगा। और एक और नेट फेंकता हूँ मैं उसी की तरफ, और इससे भी वो ज़ाहिर है डैमेज हुआ होगा, लेकिन ये तो थोड़ा सा नेट जो है वो ऊपर की तरफ गिर जाता है। तो देखो उसको आप कैसे मारेंगे, पहली बारी में उसको डैमेज दिया और दूसरी बारी में इसीलिए मार दिया। तो हुए भी आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वाला गेम प्ले। अगर तो अच्छा लगा यार लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो खैर एक और बात आपसे कहनी थी कि भाई मैं कर रहा हूँ भाई रैंक पुश कॉन्करर पुश, तो समझ सकते हो अगर कॉन्करर पुश कर दें तो गेम प्ले नहीं निकल सकता। तो खैर उसी के साथ साथ भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई कॉन्करर रैंक पुश जो गेम प्ले वो अपलोड करूँ, तो आप लोगों की भाई मुझे ओपिनियन चाहिए कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ फटाफट से कि भाई मैं कॉन्करर रैंक पुश गेम प्ले अपलोड करूँ या नहीं करूँ, जैसे कि भाई बिल्कुल सेफ खेलते हैं तो रैंक पुश के अंदर। तो बता सकते हो आप मतलब कि कमेंट सेक्शन में कि बताओ कि उस वो वाले गेम प्ले से अपलोड करूँ या नहीं करूँ, तो बता देना फटाफट से। तो वीडियो को लाइक कर देना फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।